नमस्कार साथियों, आज हम महत्वपूर्ण बात करेंगे भाई, महत्वपूर्ण मुद्दे में कि आप किसी भी देश में किसी भी कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए। जी हाँ, तो आपके सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है। कई बार आप कंपनी में या फिर जॉब में या फिर ठेकेदार के पास फंस जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आती है कि आपको बैठना पड़ जाता है। खास तौर से ड्राइवरी के जॉब में बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं कि बैठना पड़ जाता है। एक महीने, दो महीने, तीन तीन महीने तक मैंने बंदों को बैठे हुए देखा है, जो इंडिया से चले गए ब्याज पे मोटा पैसा देके एजेंट को, और वहाँ जाके उनको बिठा लिया जाता है। हाँ, रूम उनको दे दिया जाता है, खाने के पैसे या तो तनख्वाह, वो तो आपके होते हैं पहले से, तो वो मिल जाते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलता। ऐसा बहुत सारे लोगों के सामने समस्या आती है, खास तौर से जो लोग छोटी कंपनियों में जाते हैं, ठेकेदारों के पास जाते हैं। तो बड़ी समस्या ये आती है कि आप कंपनी में बैठे हैं, दो तीन महीने हो गए, जॉब नहीं मिल रहा है, तनख्वाह आपको कब से मिलनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। कंपनी वाले बोलते हैं जी आप तो आज से ड्यूटी लगे, आज से तनख्वाह देंगे, जबकि आपको दुबई, सऊदी, कतर में गए हुए दो महीने हो गए, तीन महीने हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो उनका क्या होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपकी ड्यूटी टाइम कब से शुरू होता है किसी भी कंपनी में जाने के बाद, चाहे किसी वो छोटा ठेकेदार हो या बड़ी कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम लेबर लॉ के सेम लागू होते हैं। जी हाँ, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आपको, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो कि आप बैठे हैं दो महीने से, वो बोलता है जी आज से ड्यूटी लगे हैं तो तनख्वाह तो आज से मिलेगी, बाकी के दो महीने की कौन देगा भाई, बैठे हैं तो आपकी तो गलती नहीं है, गलती तो आपने कर रखी है कि आपने हमें जॉब नहीं लगाया। हम मना कर दें कि हम तो दो महीने बैठेंगे जी, काम नहीं करेंगे, तब तो हमारी गलती होती है। ऐसी सिचुएशन आने पे आपको क्या करना चाहिए, हम डिटेल से इस पे बात करेंगे, आपको ध्यान में रखने की बातें हैं। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। किसी भी कंपनी में आप जा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखने की बातें हैं। चाहे कंपनी आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने बिठा के रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ जाने के बाद आपका मेडिकल होता है, आपका इंश्योरेंस भी बनता है, आपका अग्रीमेंट भी होता है, आपका वीज़ा पासपोर्ट में भी लगता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कंपनी का प्रोसेस है, वो जो वीज़ा लगवाते हैं उनका प्रोसेस, आपका नहीं। आपका तो ये कि आप आज गए, आपका अग्रीमेंट हो गया, आप दूसरे दिन जॉब लग गए, सैलरी स्टार्ट हो गई, ये होता है। लेकिन अगर आप दुबई में रह रहे हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं, पर्टिकुलर हम दुबई की अगर बात करें, तो आपका जो अग्रीमेंट है, जो इंडिया में होके गया था, एक अग्रीमेंट आपका कंपनी में होता है। जी हाँ, उस अग्रीमेंट में आपके सिग्नेचर होते हैं, फिर वो मोरे में या फिर GTRFA द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, वीज़ा उसके बाद लगने के लिए जाता है, इस बात को ध्यान में रखने की बातें हैं। तो तनख्वाह आपकी उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी जिस दिन आपके अग्रीमेंट में साइन हुए थे। अब साइन आज हुए हैं, जॉब आपको 2 महीने बाद लगाया जा रहा है, तो तनख्वाह तो आपकी जिस दिन से स्टार्ट हो गई, जिस दिन से अग्रीमेंट में आपके साइन हो गए थे। जी हाँ, जो साइन कौन से मोहरे में या GTRFA द्वारा अप्रूव कर दिया गया था कि भाई ठीक है, ओके, डन है, उसका वीज़ा प्रोसेस में चला गया, उसी दिन से तनख्वाह स्टार्ट हो चुकी है। काम कंपनी चाहे आज लगाए, चाहे 2 महीने बाद लगाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन बातों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जी हाँ, आज अग्रीमेंट शुरू हुआ है, आज की डेट से, और वो जिस दिन अग्रीमेंट ख़त्म होगा उस टाइम तक की तनख्वाह कंपनी को, आपके मालिक को, जो भी आपका ठेकेदार है, उसको देनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, खासतौर से छोटी कंपनियों में ठेकेदारों के पास ऐसी बात हो जाती है ड्राइवरी वगैरह में कि भाई 2 महीने तो तू बैठा था, सिर्फ आपको खाना खर्चा दिया है, बाकी तनख्वाह तो नहीं देंगे, तो तनख्वाह बिल्कुल मिलेगी जी। किसी भी देश में चले जाओ, गल्फ देशों में तनख्वाह मिलनी है आपको। ये दुबई का लेबर लॉ भी बोलता है, सभी लेबर लॉ सभी देशों के सेम कंडीशन में बने हुए हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपको दी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।